श्री धाम वृंदावन के पंचकोसीय परिक्रमा मार्ग में व्याप्त गंदगी एवं क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने की मांग को लेकर संत कौशल महाराज द्वारा दंडवती परिक्रमा की शुरुआत की गई है। साथ ही समाज सेवी ताराचंद गोस्वामी एवं अन्य लोगों द्वारा साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आपको बताते चले कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं समेत स्थानीय लोगों को परिक्रमा लगाते समय गंदगी और टूटी फूटी सड़क से गुजरना पड़ता है, जिससे परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। श्रद्धालुओं की इस परेशानी को देखते हुए संत कौशल महाराज एवं ताराचंद गोस्वामी द्वारा एक अनूठा अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत उनके द्वारा दंडवती परिक्रमा के साथ साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पूरे परिक्रमा मार्ग को गड्ढा मुक्त बनाने की मांग भी प्रशासन से की जा रही है। ताराचंद गोस्वामी ने कहा कि हमें नगर की पंचकोसीय परिक्रमा को साफ सुथरा बनाने के लिए प्रशासन के साथ साथ हर व्यक्ति को अपने मन में स्वच्छ विचार उतारना चाहिए। उन्होंने नगर निगम से मांग की है कि पूरे वृंदावन में जगह जगह डस्टबिन लगाए जाएं। साथ ही बाहर से आए श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वे डस्टबिन में ही कचरा डालें, ताकि सड़कों पर गंदगी ना हो। कौशल महाराज एवं मोहिनी शरण महाराज ने प्रशासन से मांग की है कि कार्तिक माह से पूर्व परिक्रमा मार्ग को साफ सुथरा एवं गड्ढा मुक्त बनाया जाए, ताकि कार्तिक नियम व्रत सेवा के दौरान परिक्रमा करने वाले भक्तों को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। हम अपने वृंदावन नगर निगम को संदेश देना, लाखों करोड़ों रुपए विकास के लिए आते हैं, तो वृंदावन परिक्रमा मार्ग में जो गंदगी है और जो हो रहे हैं रोड पे, हम अपने विकास प्राधिकरण से भी ये कहेंगे कि वृंदावन में रोड है, गंदगी हो रही है जगह जगह परिक्रमा में, ये गंदगी बिल्कुल साफ कराई जाए। और परिक्रमा के माध्यम से बाकी हम यही कहेंगे कि ब्रज का आनंद है और परिक्रमा में ब्रज रज का आनंद ले रहे हैं, तो आनंद के लिए परिक्रमा कर रहे हैं। ये मुहिम ऐसे तो पूरे देश में चल रही है, लेकिन आज सभी संतों के साथ हमारी साथ भी है, बुजुर्ग संत हैं हमारे साथ मोहनीश्वर जी हरसका धाम के महंत जो है, और सभी संत हमारे कौशल महाराज दंडौती परिक्रमा देंगे इस वृंदावन के अंदर, चाहे वो एक सप्ताह तक तो पहले बंद होगी नहीं। हमारा ये अभियान रहेगा कि कम से कम सफाई रखी जाए, हमारे ब्रज को सुंदर रखा जाए, हमारे ब्रज को एकदम वृंदावन रहने दिया जाए। हमारी नगर निगम से एक और मांग है कि जैसे वृंदावन है यहाँ पर डस्टबिन रहनी चाहिए, जैसे बहुत सी जगह मैंने देखा है, गुजरात में देखा है, अहमदाबाद में देखा है, हर 50 मीटर पर डस्ट जो रखी जाती है, वहाँ पर लोग कूड़ा डालें, करकट डालें। अरे हम अपने घर को भी तो साफ रखते हैं, हम अपने स्थान को भी साफ। दूसरी बात, आगे कार्तिक का मास महीना आने वाला है, यहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जुगल जोड़ी की प्रतिमा देंगे, तीनों पनकी देंगे, एकादशी, देवउठनी, अक्षय नवमी, और यहाँ तक वृंदावन में तो रोज परिक्रमा लगती है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सभी हमारे जितने भी संत, जितने भी जो है पाठक, जितने भी सुनने वाले, जितने भी कथावाचक, हमारी सबसे अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि इस स्वच्छता अभियान में सभी आए, साफ रखें, कूड़ा करकट नहीं होने दें, और हमारे कौशल जी दंडौती परिक्रमा पूरे वृंदावन की देंगे, हम लोग साथ में रोज रहेंगे। वो अलग बात है कितनी दे पाते, कितनी को अगर लेट के देना पड़ता है तो समय तो लगता है। तो हम ये सभी ब्रजवासियों से, सभी यहाँ के निवासियों से ये मांग करना चाहते हैं कि सभी अभियान होना चाहिए, स्वच्छ भारत, स्वच्छ वृंदावन, स्वच्छ पृथ्वी प्रदेश हमारा रहना चाहिए। हम लोग चाहे इसके लिए कोई कितनी भी कुर्बानी करें। देखिए बहुत लोग आते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं, कोई गाय की बात करता है, कोई कथा की बात करता है, लेकिन सफाई की भी तो होनी चाहिए। जो हम लोग कम से कम देखो कूड़ा गेट पर जो है पड़ा हुआ गोबर, इसको साफ रखें, कहीं कूड़ा उसको फेंके, कहीं गंदगी नहीं होने दे। यदि स्वच्छ रहेंगे तो सब हम स्वच्छ रहे, और मन से स्वच्छता, दिल से स्वच्छता होती है, इसलिए हम सब संतों ने मिलकर के आज ये स्वच्छता अभियान वृंदावन में चलाया।